हेलो भाई नमस्कार मुझ राकेश आपण गोलगम गोट ओडिशा नर्सिंग आज गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट दबापें जाऊँ रिगार्डिंग आपर ओ ट्रिपल एससी नर्सिंग अफिसर रिजल्ट पर जो कोर्ट केस होता है आपने जानते हैं जो आप मन में बहुत सारा डाउट थी कि आपर अपॉइंटमेंट लेटर के काउंसलिंग के रिगार्डिंग फुल किसी कोर्ट ऑर्डर कौन आसा फाइनाल अपडेट मुझे जाऊँ वीडियो लास्ट पर्यटन देखते वीडियो रिगार्डिंग जहाँ भी किसी डाउट अच्छी वीडियो कमेंट करूँ वीडियो जब भले लगे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करा जमारे भूलिए आपसाथी जिते शुण भी रिजल्ट पास करते आ खुशी खबरटा जो मैंने ए अंडर जाऊँच सहित सेयार कर नियंतु ठीक अच्छे चलो स्टार्ट करवा आज भिडियो ये आपने देखी पार्थे यहाँ हूँ ऑफिशियल ऑर्डर कहार ना हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक जोटा कि आपने जाकि चेक करेंगे केस नंबर जोटा कि 36009 अफ 2023 ये आपने देखी पार्थे पिटिशनर अच्छे आपर ये देखी पार्थे अपोजिट पार्टी अच्छा जोटा कि स्टेट ऑफ ओडिशा एंड ऑर्गेनाइजेशन तापर आपने देखी दिखाते जे भी आपर जो नर्सिंग अफिसर रिजल्ट विथहोल्ड पर जे नोटिस देते एके महापात्र से जस्टिस अच्छा से नोटिस जोटा कि 7/11/2023 आपर यह अर्डरटा आसी मुझक शो मोड पर कौन होता आपण मानकर ना जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपड़ रिन्युआल कलापर मैं रिजेक्शन होते हैं सेपरेट जो पीडीएफ इश्यू कराई ओ ट्रिपल एस तरफ से समस्त मिसिकी आपर कौन करते ना कोर्ट में अपिल करते कि जेहेतु आम कंटिन्यू आम रजिस्ट्रेशन आम कम करूँ कि कौन कारणवशत आम रिन्युआल कर पार्थ ठीक टाइम से ग्राउंड में आमको इनवैलिड रजिस्ट्रेशन देखिए आमको रिजेक्ट कर दिया सेटा गोटे बायस जिनस से रिगार्डिंग आपने जल्दी स्टेप नि रिगार्डिंग जितेबाला मैक्सिमम 100 रु अधिक पिला जितेबाला कोर्ट को रिज करते से इमीडिएट एक्शन नाप कोर्ट ऑर्डर देती देखी नि पूरा डिटेल्स मुझे आपको पीडीएफ टी शेयर करदे ग्रुप में जब ग्रुप में जॉइन होने चाहते वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन हो जाता सहित आपने कौन करेंगे ना पूरा लास्ट जो पाराग्राफ से शो मोड उपर जहाँ भी डिटेल्स फाइनाल रिजल्ट आसी तारी उपर आम डिस्कशन करवा ना वीडियो टी बहुत लेंदी हो ठीक अच्छे देखने ये आपर कौन दिला ना हैविंग हर्ड लियन काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर एंड द लियन एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट अपोजिट पार्टीज तापर दिला देखो एंड ऑन ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द बैकग्राउंड फैक्ट दिस कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कैंडिडेचर ऑफ अ पिटिशनर हैज बीन डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड दैट द पिटिशनर वे आर नॉट हैविंग ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट बाय द ओडिशा नर्सिंग काउंसिल ता अर्थ ये रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड नथिला बोली तांको रिजेक्ट कर दिया जाइछि बोली जोटा कि रिटर्न पिटिशनर तांकर क्लेम करथिले तापर देखंतु कोन दियाला ऑन परस्यूजल ऑफ द रिकॉर्ड इट द अपीयर्स दैट द पिटिशनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैड अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द ओडिशा नर्सिंग काउंसिल सब्सिक्वेंटली दे हैव बीन ग्रांटेड ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय सच काउंसिल फर्दर इट appears that such registration certificate issued by the council is required to be renewed from time to time so far the present petitioner are concerned in their case the renewal certificate and their registration certificate failed due during the time of when advertisement was published under annex 1 to the written petition written application however it is not disputed that the registration certificate issued in favor of the petitioner by the odisha nursing council was duly renewed thik achi to se time re se kon korthi ना जेहेतु से टाइम एडवर्टाइजमेंट आसला से रिन्यूल करते देन से कौन दे विदाउट एनी ब्रेक तापर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनली इश्यूड बाय द अथॉरिटी कंटिन्यूस टू रिमेन वैलिड देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड दैट तो जेहेतु यहाँ गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस ये वैलिड अच्छी जपर्यंत रिन्युआल करना हाँ से कौन कहला इट कैन नॉट बी सेड दैट पिटिशनर वे आर नॉट हैविंग ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर तो जन जी रिन्युआल करना आपड़ से कहीपरें यहाँ गोटे वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर नुहे कही कौन आपर ना देखी नि सर्टिफिकेट देन इट इज ऑल्सो अपीयर्स दैट द रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन टू द सच पिटिशनर ऑल्सो रिमेन्स द सेम तो आपने जानते जोटा कि आपर रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी पांच टिकिया से रिन्युआल पर सेम रोचे तो सेम जिन कहला कि रिन्युआल पर आपर सेम रजिस्ट्रेशन ही नंबर रोचे ठीक अच्छे तापर कौन कहला फर्दर द प्रोजुअल ऑफ द फैक्ट्स द प्रेजेंट केस दिस कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट मियरली बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड आफ्टर ए सर्टन इंटरवल इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट द सेम कैन वैलिड सर्टिफिकेट इन इज इन प्रोसेस ऑफ द रिन्युअल ठीक अच्छे तो सी कौन कहला ना सेम सर्टिफिकेटा ठीक टाइम भितर रिन्युअल करटिकुला टाइम समस्ते यहाँ आवर न था द मोर ओवर इट इज सेट ए लॉ दैट व्हेन ए सर्टिफिकेट इज रिन्युड द सर्टिफिकेट कंटिन्यूज टू रिमेन वैलिड तो अर्थ जपर्यंत से रिन्युअल सर्टिफिकेट है नहीं से रिमेन रहिबो वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल इश्यू जो दिन इश्यू होती से दिन से वैलिड रहिबो द अंटिल द सेम इज लॉफुली कैनसल्ड और टर्मिनेटेड जदि कौन लीगल कारण
जोगु सेटा को टर्मिनेट किंबा ताकु कैंसिल कर दिया न जाइछि। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस केस इट रिवील्स व्हाट द ऑपोजिट पार्टीज हैव नॉट सेटेड दैट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज अर्लियर बीन कैंसल्ड और टर्मिनेटेड। जो केस रे कि ए केस रे तांकर पूर्वरु सेमती किछि कैंसिल किंबा टर्मिनेट हेइ नाही। देयरफॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टीज इन होल्डिंग दैट द पिटिशनर वेयर नॉट हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स बाय द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट करेक्ट। ता अर्थ जो ग्राउंड रे सेमानको रिजेक्ट कर दिया जी सेइटा ठीक नुहे एटी कहि देला इट इज नॉट करेक्ट एंड द सेम इज टू हार्स। ठीक अछि एटा सह्य योग्य नुहे। मोर ओवर दिस कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पावर रूल अंडर 8(4) हैविंग बीन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट एलियर एज इट अपीयर्स फ्रॉम द एडिशनल एफिडेविट देयर इज नो बार इन एक्सरसाइजिंग सच पावर ऑफ रिलैक्सेशन in the genuine and appropriate cases in view of aforesaid analysis as well as keeping in view of factual background of the present case this court deems it proper to dispose of a present written petition by remanding the matter of opposite parties number 1 and 3 reconsider the whole issue again keeping in view of aforesaid observation made by this court as well as the document under 10 and 11 to the additional affidavit filed by the petitioner। to seita ko se reissue करिया पई आउ थरे कोर्ट ऑर्डर देछि कि एटा को आपण आउ थरे कंसीडर करंतु एई ग्राउंड को सब नेइकरि। ठीक अछि तापर लेट द पिटिशनर अप्रोच सच ऑपोजिट पार्टीज 1 एंड 3 अलोंग विथ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। एटा को केते दिन भीतर कार्यकारी करिया पई कहै छि 2 सप्ताह भीतर। ठीक अछि इन सच इवेंट ऑपोजिट पार्टीज नंबर 1 एंड 3 शल डू वेल टू कंसीडर द सेम एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट हियर इन अबव एंड टेक ए फाइनल डिसीजन विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर। ता अर्थ एई कोर्ट ऑर्डर परे 2 सप्ताह भीतर फाइनल डिसीजन नबा पई कहा जाय छि। द डिसीजन शो टेकन टू बी कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर। जहां भी डिसीजन निया जिवो पिटिशनर को जे केस करी छि ताकू जणैबे। ठीक अछि विद इन ए वीक देयर आफ्टर जो दिन डिसीजन निया जिवो तार नेक्स्ट सप्ताह भितर से पिला को जणा जिवो। एनी अपॉइंटमेंट मेड इन दिस मीन टाइम शल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन टू बी टेकन बाय द ऑपोजिट पार्टी 1 एंड 3 एज डायरेक्टर हियर इन अबव। जहां भी डिसीजन निया जिवो से सब जेमती ता ज्ञात सारर होबो बा जणातर होबो। ठीक अछि देन तापर कोन दैछि विथ द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन द रिटन पिटिशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। ता अर्थ जो रिटन पिटिशन को एटी डिस्पोज करा गला केस को फाइनल कर दिया गला इशू अर्जेंट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर एज पर रूल्स। यही जो ऑर्डर टाकु पूरा अर्जेंट बेसिस रे इश्यू कर दिया जाइछि। तो फाइनली आपण माने एटु कोन देखिले जो मानंकर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट नथिला किंतु से माने क्वालिफाइंग मार्क रखी कि क्वालिफाई करथिले से मानकु कंसीडर करा जाउ को ग्राउंड रे जेहेतु तांकर रेनल्स ना करि नथिले किंतु से मानंकर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर थिला जेहेतु तांकर लीगली कोनोसी भी कारण रु कैंसिल किंबा आउ से मानंकर टर्मिनेट करा जाय नाही। ठीक अछि तो एटा गोटे बहुत ही भलो डिसीजन कोर्ट तरफ हाईकोर्ट तरफ मु जो मानकर ना से लिस्ट थिला मु से मानन समस्त कांग्रेचुलेशन जणौची। जदि आपण माने केही भी वीडियो देखु चंदी आपण संग साथी से भली केही भी अछंती से मानन को ए वीडियो टिक शेयर कर दियंतु बहुत ही बड़ खुशी खबर अछि। तो आपणकर सप्ताह दि सप्ताह किमा 3 सप्ताह मासे आपण मानकर लेट हे पारे किंतु आपण माने खुशी होंतु कि बहुत पिला जो माने चाकरी होरे पय जाउथले से माने चाकरी पाइले। ठीक अछि तो रजिस्ट्रेशन नंबर रिगार्डिंग जो मानकर इशू थिला मु भाबुची सब सॉल्व हे जाइथिबो। जदि आपण माने डायरेक्ट आपण मानकर वीडियो रिगार्डिंग किछि भी डाउट अछि वीडियो सेन कमेंट करंतु। ठीक अछि मु भाबुची वीडियोटी भल लागथिबो लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो जमारी भूलिबे नै। थैंक यू।